दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रात की रानी की प्लांट की केयर। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत ही गर्मी हो रही है, आज ये दोपहर का टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अपलोड मैं शाम को करूंगा। तो इसमें देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से ग्रीन हो रखी हैं, कोई भी पत्ते में फोल्डिंग नहीं आई है अभी तक, और पूरा प्लांट एकदम डच ग्रीन है। और देखिए किस तरह से नए नए लीव्स भी आ रहे हैं इसमें, दिख रहे हैं ये, देखिए बडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है इसमें। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका भी विंटर में या समर में दोनों में आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चले, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स, रातरानी का जो प्लांट होता है वो एक जंगली प्लांट होता है इसको, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो काफ़ी हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसको एनपीके वाली नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सच बताऊँ तो मैं इसमें कोई भी खाद का यूज़ नहीं करता, मैं इसमें यूज़ करता हूँ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर हम घर पर ही बनाते हैं, जैसे हम कोई भी वेजिटेटिव वेस्ट को इसके कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ये देखिए, ये बनाना का पील है, तो मैंने इसके प्लांट के नीचे डाल दिया था। ये देखिए मेरा कटिंग से लगा हुआ वही प्लांट है, उसके नीचे मैंने इसको यहाँ डाला था, तो ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर डीकम्पोज हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें से कोई स्मेल आएगी, तो फ्रेंड्स कोई स्मेल नहीं आती इसमें से, और ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है प्लांट के लिए, बहुत ही जरूरी एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए दोनों। तो इससे प्लांट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, यहाँ तक ये मोटी कटिंग लगाई थी, तो कितनी सारी मल्टीपल शूट्स निकली थी इस कटिंग से। इस प्लांट की फ्रेंड्स बस हमें खाद की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो ये प्लांट हमारे साथ सालों साल रह सकता है और इसमें कुछ भी खराब नहीं होता, ये आपको हमेशा फ्लावर्स देता रहेगा। गर्मियों में फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं जो दिसंबर के मंथ तक आते हैं। तो दिसंबर में इसका थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड होता है, जब इसके लीव्स थोड़ी शेड होनी शुरू हो जाती हैं, लीव्स पीली होकर झड़ जाती हैं और कभी कभी तो पूरा प्लांट ही गंजा हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही फरवरी का टाइम आएगा, इसमें फिर नई लीव्स आनी चालू हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप विंटर के टाइम पे इसको एक पॉली हाउस में रख देंगे या फिर एक शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ पे इस पर ब्राइट लाइट पड़ती हो, सॉरी फ्रेंड्स शेडी प्लेस में नहीं, जहाँ पे डायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़े वहाँ पे इसको रखेंगे विंटर के टाइम पे। लेकिन अगर आप समर के टाइम पे इसको रखेंगे तो आपको थोड़ा सा शेडी प्लेस देखना पड़ेगा, वरना जो डायरेक्ट बर्निंग आ जाएगी लीव्स पे और लीव्स भी फोल्ड होने लगेंगी। वैसे तो लीव जो होती हैं वो खाद की कमी से फोल्ड होती हैं, सनलाइट की वजह से नहीं। लेकिन सनलाइट अगर इसको ज़्यादा मिलेगी तो फिर इसके लीव जो हैं वो पीली होकर बर्न होने शुरू हो जाएंगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई भी ग्रीन हाउस वाली नेट का यूज़ कर सकते हैं और इससे इसको कवर करते हैं जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ्रेंड सुबह से कवर किया तो रात तक कवर ही रहने देना है, बीच बीच में आप उसको हटा दें ताकि इसमें थोड़ी सी सनलाइट भी चाहिए इसे, क्योंकि फ्रेंड फ्लावरिंग जो है वो समर में ही होती है इसमें, तो इसे लाइट की रिक्वायरमेंट भी है। ये प्लांट फ्रेंड्स एक बुशी आकार में ग्रो करता है। अगर आप इसकी कोई ब्रांच एकदम स्ट्रेट ग्रो कर रही है तो आप उसको ऊपर से पिंच कर दें, पिंच जैसे मीन्स यहाँ से जो दो ये लीव्स निकल रही है, अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो यहाँ से साइड ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्लांट में तो फ्रेंड्स वैसे ही देखिए कितनी सारी साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, तो मुझे इसे पिंच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये थोड़ा ऊंचा भी हो जाता है तो मेरे पास स्पेस बहुत है, अगर आपके पास स्पेस थोड़ा कम हो तो आप उस केस में इसको पिंच कर सकते हैं और एक बुशी आकार दे सकते हैं, वरना तो अगर आप फ्रेंड्स इसे क्लाइंब करना चाहें तो ये क्लाइंब भी कर जाती है। फ्रेंड्स इनके फ्लावर्स की खूबसूरती बहुत ही सुंदर होती है, छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स लगते हैं बंडल में, येलो कलर का भी आता है लेकिन येलो कलर मुझे इतना पसंद नहीं है, मेरी व्हाइट वाली है। इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और अगली बार मेरे को लगता है बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी जितने भी फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स वो नाइट में खिलते हैं और सुबह तक सारे बंद हो जाते हैं, फिर नाइट में दोबारा खिल जाते हैं वो, इसीलिए इसे रात की रानी का प्लांट कहते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये प्लांट थोड़ा पॉइजनस होता है, लेकिन फिर भी हम इसे घर पे लगा लेते हैं। अगर आप इसके लीव्स को ज़्यादा टच ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा पॉइजन होता है। अगर आप फ्रेंड्स रात की रानी के प्लांट को घर पे लगाने से कतराते हैं और अगर ये सोचते हैं कि इस प्लांट के नीचे सांप आते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे घर पे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इस प्लांट में जो सांप अर्ली अर्ली टाइम में आते थे, जब ये फ्रेंड्स प्लांट जो होता है ये एक फेंस के तौर पर यूज़ होता था, जब इसमें एक बहुत ज़्यादा झाड़ी नुमा बन जाता था तो सांप को जब उसके नीचे ठंडी प्लेस मिलती थी तो वो मिट्टी में आके बैठ जाता था, और इसी खुशबू से फ्रेंड्स सांप अट्रैक्ट तो होता है लेकिन यहाँ शहरों में वो नहीं आ सकता। अगर आप गांव वगैरह के इलाके में हैं तब आप शायद रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टाउन में रह रहे हैं, एक डेवलप्ड सिटी में रह रहे हैं, तब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ सांप नहीं आएगा। इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेंड बहुत ही स्ट्रांग होती है, आपको इसकी एक मीटर की रेंज में इसकी स्मेल आ सकती है। रात को तो अगर आपके डोर के बाहर ये लगी हो तो पूरी डोर पे आपको इतनी स्मेल आएगी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बार बार रिपोर्टिंग करने के झंझट से बचने के लिए आप इसके लिए थोड़ा बड़ा पॉट यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, ये आपको देखना ही पड़ेगा कि इसके थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसे फैलता बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फैल जाता है, कटिंग भी बहुत आराम से लग जाती है। फ्रेंड्स में एक और भी प्लांट आता है दिन का राजा, इसकी लीव्स भी फ्रेंड्स बिल्कुल सेम होती हैं दिन के राजा की प्लांट की, लेकिन वो एकदम बिल्कुल अपोजिट होते हैं।
जो दिन का राजा होता है वो दिन में फ्लावरिंग करता है और जो रात की रानी होती है वो रात में फ्लावर करती है। लेकिन फ्लावर फ्रेंड्स एक जैसी होते हैं, स्मेल भी उनमें, फ्रेग्रेंस जो होती है वो भी एक जैसी ही आती है लगभग लगभग। बस उनके फ्लावर्स के खिलने का टाइम अलग है। अब उन्हें पहचाने कैसे? लीव्स का स्टाइल जो होता है, जो रात की रानी का होता है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, देखिए ऐसे एक पॉइंट सा निकल रहा होगा। और जो रात की रानी का प्लांट होता है वो ऐसा ही होता है, सॉरी फ्रेंड्स, जो रात की रानी का प्लांट होता है उसकी लीव्स पॉइंटेड होती हैं, दिन का राजा की थोड़ी फ्लैट सी लीव्स होती हैं। वेन्स बाकी सब इनकी जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। सो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको रात की रानी प्लांट के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और भी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।